आज हम लोग उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दों की चर्चा करेंगे। पर्यावरण बहुत बड़ी चिंता का कारण है और पूरी दुनिया में हर जगह हर विषय के लोग काफ़ी चिंता कर रहे हैं और हम लोग सीधे सीधे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जिससे सभी लोग रूबरू है वो क्या है, वो है जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। दूसरा मुद्दा जो है वो प्रदूषण का है। जल, वायु, मिट्टी, हर चीज़ आज प्रदूषित हो चुकी है। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है पर्यावरण के अवनमन का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं। चौथा मुद्दा है रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन कहते हैं। और हम लोग चूँकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है तो संसाधनों पर काफ़ी दबाव हो गया है। पाँचवा मुद्दा है हमारे खाद्य सुरक्षा का ही मुद्दा है, चूँकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और उत्पादन काफ़ी बढ़ने के बाद बावजूद जितनी आपूर्ति होनी चाहिए सभी को उतनी नहीं हो पा रही है, तो खाद्य सुरक्षा पर संकट आ गया है। सातवां मुद्दा हमारा है ग्लोबल वार्मिंग का, जो वैश्विक तापन जिसे कहते हैं, तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके कई कारण हैं, ओजोन डिप्लीशन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है बहुत, इसको इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। अगला मुद्दा जो है निर्वनीकरण है, बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है, जंगलों में आग लगती है और जंगलों का व्यावसायिक दोहन बहुत अधिक हो रहा है, नए जंगल बहुत कम लग रहे हैं। अगला मुद्दा जो है वो वैश्विक अशांति का भी है, बहुत सारे पर्यावरणीय रिफ्यूजी बन गए हैं। जैसे जलवायु, जैसे हमारे बगल के राज्य उड़ीसा के कालाहांडी में अक्सर सूखा रहता है, अफ्रीका के भी कई देश हैं जो अक्सर सूखा ग्रस्त रहते हैं, जैसे सोमालिया, तो यहाँ के लोगों को इकोलॉजिकल रिफ्यूजी कहा जाता है। और अगला मुद्दा जो है जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या का विस्फोट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की पर्यावरणीय समस्या है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी काफ़ी धीमी गति से थी, पर शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का इतिहास हुआ, आपने पढ़ा है कि होलोसीन पीरियड में मनुष्य की व्यवस्थित रूप से इसका विकास शुरू हुआ। हालांकि प्लिस्टोसीन युग में लगभग आज से 10 लाख वर्ष पूर्व मानव का अभ्युदय हो गया था, लेकिन इस बीच काफ़ी हिमयुग आए और अनेक अंतर हिमयुग आए, तापमान बढ़ता रहा घटता रहा, बड़े पैमाने पर हिम के चादर बिछ गए और इससे मानव की जनसंख्या काफ़ी प्रभावित हुई। जनसंख्या लगभग स्थिर रही या बहुत धीमी गति से बढ़ी। इसकी जनसंख्या के कई चरण आए, पूर्व में शिकार काल से, पूर्व पाषाण काल से लेकर लोग जब शिकार करने लगे वन जंग या जंगली से, जिसे हंटिंग एंड गैदरिंग कहते हैं, फिर घुमक्कड़ी का एक दौर आया, पशुचारण का दौर आया और फिर खेती करने लगे, फिर उद्योग धंधों का विकास हुआ, औद्योगिकरण आया, उपनिवेशवाद का दौर आया जब बड़े बड़े साम्राज्य बने, और उसके बाद तीव्र औद्योगिकरण शुरू हुआ, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ गई, शिक्षा में काफ़ी तेज़ी से आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। तो 20वीं सदी में इन सभी कारणों से तीव्र जनसंख्या की वृद्धि होने लगी और जनसंख्या की ये तीव्र वृद्धि खासकर विश्व युद्ध के बाद के काल का एक परिघटना है, जिसे कहते हैं जनसंख्या का विस्फोट। जनसंख्या का विस्फोट का मतलब है कि काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या का बढ़ना, और जनसंख्या के विस्फोट के कई कारण हैं। पहला कारण जो है वो है मृत्यु दर में कमी होना, और इस कमी का कारण है जनसंख्या को मिलने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं में काफ़ी प्रचार प्रसार होना, नए नए अस्पतालों का काफ़ी छोटे छोटे स्तर पर भी बन जाना। दूसरा है उच्च जन्म दर होना, मृत्यु दर में तो कमी तो आई लेकिन जन्म दर ऊंचा ही बना रहा, खासकर विकासशील देशों में ये स्थितियां पाई गईं। और इसके बाद कृषि का अच्छा विकास हुआ, पहले लोग निर्वाह कृषि करते थे, अब पहले लोग वर्ष में एक बार खेती करते थे, अब कई बार तीन तीन फसलें ली जाने लगी हैं, जैसे कि असम में धान की औस अमन बोरो 3 बार खेती की जाती है एक साल में। और जनसंख्या विस्फोट का एक और कारण है वो निर्धनता है। निर्धनता में लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अगर होंगे तो हमारे सहयोगी होंगे, हमारे लिए काम करेंगे,
और कई बार उसे गरीबों का बीमा भी मान लिया जाता है, जो कि आपको याद होगा कि चीन के माओ ने एक बार कहा था कि अगर बच्चे नए बच्चे आते हैं तो उसका स्वागत करो, क्योंकि वो खाने वाला मुंह तो एक होगा लेकिन काम करने वाले उसके पास दो हाथ होंगे, तो नए लोगों का स्वागत है। फिर भारत जैसे देशों में कम उम्र में विवाह भी एक बहुत बड़ी समस्या है और जनसंख्या विस्फोट का कारण है, और यहाँ पर विवाह संस्था की व्यापक स्वीकृति है। इसके धार्मिक आधार भी हैं, सामाजिक आधार भी हैं। सातवां जो कारण है वो अंधविश्वास या कुरीतियाँ हैं, जो जनसंख्या विस्फोट को परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। हमारे देश में अशिक्षा भी एक बड़ा कारण है। अगर कहा जाता है कि आप लड़कियों को महिलाओं को शिक्षित कर दें तो अपने आप जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हो जाएगी। अगला कारण जो जनसंख्या विस्फोट का है वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हैं, कई पीढ़ी के लोग रहते हैं, और उसमें संयुक्त उत्तरदायित्व होने के कारण लोगों का जीवन निर्वाह आसानी से हो जाता है। बहुत अधिक महत्वाकांक्षा अगर नहीं हो तो अधिक जनसंख्या को वो लोग निर्वाह स्तर पर उनका पालन पोषण कर लेते हैं। एक और समस्या जो जनसंख्या विस्फोट में का एक महत्वपूर्ण कारण है वो गर्भ निरोधक साधनों का कम उपयोग है, खासकर भारत में, और वो भी उनमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में, और इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या प्रति दंपत्ति अधिक बच्चे की उत्पत्ति होती है। इसके धार्मिक कारण भी आप गिन सकते हैं। कुछ समुदाय या कुछ जातियाँ अधिक बच्चों पर के जन्म को अच्छा मानती हैं। अब हम लोग आते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण के बाद जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या परिणाम हैं। तो सबसे बड़ा जो परिणाम है वो तो है खाद्य समस्या, क्योंकि खाने वाले अधिक हो गए हैं। भूमि स्थिर है, लैंड मैन रेशियो जिसे कहते हैं, भूमि और जनसंख्या का जो अनुपात है वो काफ़ी कम होता जा रहा है दिनों दिन, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि भूमि सीमित है तो खाद्य समस्या बढ़ती जा रही है, खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। दूसरा जो इसका परिणाम है वो है संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ गया है। हर तरह के संसाधन, चाहे वो खनिज संसाधन हो, औद्योगिक संसाधन हो, वन के से प्राप्त होने वाले संसाधन हो, या कृषि से अधिक मिलने वाले संसाधन हो, खाद्य पदार्थ हो, सभी संसाधनों पर काफ़ी अधिक दबाव पड़ रहा है। इसके कारण काफ़ी विदोहन हो रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि इस दूर के समुद्र में भी जा जाकर लोग मछली मारते हैं, और कई मछलियों जैसे व्हेल, सालमन, टूना इत्यादि के अस्तित्व पर संकट आ गया है। तीसरा जो जनसंख्या विस्फोट का कारण है वो गरीबी काफ़ी बढ़ रही है, और गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में नज़र आती है, जहाँ लोग गरीब पैदा होते हैं, गरीबी में ही पलते बढ़ते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं, और उनके बच्चे और भी क्रमशः निर्धन हो जाते हैं। अगला जो परिणाम है जनसंख्या विस्फोट का वो महानगरीय समस्या है। नगरों की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसमें गांवों से काफ़ी अधिक जनसंख्या में, काफ़ी अधिक परिमाण में लोग आ रहे हैं नौकरी के, रोजगार के तलाश में, और महानगर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। उसका एक मूल कारण गांव से पलायन भी है। तो गांव से पलायन, लोग अच्छे जीवन की तलाश में शहरों में आते हैं, और लेकिन शहरों में उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्लम बहुत सारे पाए जाने लगे हैं, अच्छा पेयजल नहीं मिलता, अच्छा खाद्यान्न नहीं मिलता, शिक्षा की कमी है, और उनके जो रहने का स्थल है बहुत ही गंदा रहता है। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। फिर अगला जो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है वो है बचत में कमी। लोग खाने पीने पर ही अधिक खर्च करते हैं, और इससे उनकी बचत बहुत कम हो पाती है या नहीं हो पाती है, और इस कारण क्या होता है कि वे अपने लिए पूंजी नहीं बना पाते हैं, और चूंकि ये व्यक्तिगत रूप से पूंजी निर्माण का कार्य होता है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी पूंजी निर्माण में कमी हो जाती है, या पूंजी निर्माण काफ़ी कम होता है, और जब कल्याणकारी कार्य को लागू करने का समय आता है तो पूंजी की कमी हो जाती है। अगला जो परिणाम होता है जनसंख्या विस्फोट का वो है जनोपयोगी सेवाओं पर खर्च में लगातार वृद्धि। चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उन पर काफ़ी सारे खर्च करने बहुत उचित भी खर्च होते हैं, जैसे उनके शिक्षा के लिए, पेयजल के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, और
बहुत सारे जो मूलभूत आवश्यकताओं की को उपलब्ध कराने में काफ़ी बढ़ा हुआ खर्च होता है। अगला परिणाम जनसंख्या विस्फोट का बेरोजगारी है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उस तेज़ी से रोजगार का सृजन नहीं किया जा सकता है और श्रम शक्ति में वृद्धि हो रही है। और अक्सर कहा जाता है कि पॉपुलेशन डिविडेंड के का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की काफ़ी संख्या है। हमारे देश में लगभग 65% जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम की हैं, तो ये काफ़ी इनमें ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन डिविडेंड जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा और गुणवत्ता और स्वास्थ्य की भी कई समस्याएं आ जाती हैं। और अगला जनसंख्या विस्फोट का जो अगला परिणाम है वो है कृषि एवं उद्योग के विकास में बाधा पड़ती है, खेतों का बहुत अधिक विखंडन होता है, संयुक्त परिवार नई पीढ़ी के साथ साथ टूटती जाती है और उनके विघटन से ज़मीन के भी टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं और छोटे छोटे खेतों की संख्या बढ़ती चली जाती है, जो कि लाभकारी नहीं होता। तो ये खेतों का विखंडन हमेशा ही अलाभकारी होता है। दसवां जो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है वो है आर्थिक विकास का धीमा होना। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें चाह कर भी नहीं कर सकते, जैसे मालूम है कि लोगों को रोज़गार देना है और इसलिए ऑटोमेशन, जिसे मशीनीकरण भी कह सकते हैं, वो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, जबकि हमें मालूम है कि अगर ऑटोमेशन किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे नाली साफ़ करने की समस्याएं हो या निर्माण करने की समस्या हो, तो ऑटोमेशन से या फैक्ट्री में भी बहुत सारे जो मानव के द्वारा नहीं करके मशीनों से करवाया जाए तो वो अधिक तेज़ी से होगा और अधिक मात्रा में होगा उत्पादन, लेकिन ये एक अगर इसे किया जाए तो फिर जनसंख्या को बहुत सारी छटनी का प्रश्न आ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जनसंख्या विस्फोट से हमारा आर्थिक विकास भी धीमा पड़ जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जल्दी से अब इस पर हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो है कि विवाह की उम्र में बढ़ोतरी की जाए, दूसरा है कि नारी को शिक्षित किया जाए, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधा में और भी वृद्धि की जाए, स्वास्थ्य सुविधा में अभी भी बहुत कमी है, उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा तो शिक्षा स्वास्थ्य का उनका स्तर बढ़ेगा और उनकी जो उनका लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, और इसके कारण जनसंख्या के उत्पादन में ब्रेक लगेगा। अगला जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है वो परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना है और इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और इसमें कई स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है, धार्मिक जो हमारे लीडर हैं उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। अगला उपाय जनसंख्या वृद्धि को रोकने का है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना, क्योंकि कई समुदाय ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम लोग सामाजिक रूप से असुरक्षित हैं, अगर उन्हें लग जाए कि राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से वे सुरक्षित हैं तो जनसंख्या वृद्धि धीमा हो सकता है। और जागरूकता और शिक्षा के प्रसार की बहुत अधिक आवश्यकता है जनसंख्या विकास जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए। शिक्षा तो कह सकते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए, और ये सारे उपाय जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं जनसंख्या की के विस्फोट को रोकने के लिए। और एक जो बहुत ही चर्चित कोटेशन है वो कहा जाता है, डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी जो विकास है वो सबसे अच्छा या सर्वोत्तम गर्भ निरोधक होता है। तो इसके साथ ही आज आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे को जाना, जिसे जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। थैंक यू।